हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप परमार स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन से जुड़ी हुई कुछ खास अपडेट्स के बारे में, साथ ही एक मार्केट में कुछ फेक न्यूज़ भी हैं उनका अपडेट देखेंगे हम, क्या उनका मार्केट पे क्या असर पड़ता है। उसके साथ हम एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले टाइम में आपको लखपति या करोड़पति बना सकता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि बिटकॉइन कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन का मूवमेंट चल रहा है। अभी मेरा बिटकॉइन के प्राइस में बात करूँ तो वो 34 लाख से और 36 लाख के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, उसी के बीच में घूम रहा है। कभी मार्केट ग्रीन हो जाती है, कभी मार्केट रेड हो जाती है। जो भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं या मेरे ट्रेडर्स हैं, उनके मन में एक असमंजस का माहौल है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन के साथ क्या होगा, क्या बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या बिटकॉइन यहाँ से नीचे जाएगा। और कुछ लोग बिटकॉइन के नीचे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि पहले बिटकॉइन नीचे गया था तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि और नीचे जाए, 25 लाख पर गया था तो वो 15 लाख का इंतज़ार कर रहे थे। वैसे ही आज कुछ लोग फिर से इंतज़ार कर रहे हैं कि बिटकॉइन 30 लाख पर जाएगा, उसके बाद 25 लाख पर जाएगा। ऐसे लोग, उन्होंने पहले भी बिटकॉइन नहीं बाइंग किया था, सिर्फ एक इंतज़ार किया था, आज भी वो बिटकॉइन बाइंग नहीं कर रहे हैं। बस मेरे जो ट्रेडर्स हैं या मेरे इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है बिटकॉइन दोबारा 30 लाख जाएगा। 34, 35 या 36 की बात करूँ तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न बनने वाला है जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो बिटकॉइन आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छे प्राइस की तरफ जाने वाला है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, एक साथ बिटकॉइन का प्राइस शूट करेगा। और जो लोग इसके प्राइस को नीचे जाने का इंतजार कर रहे थे, वो देखते रहेंगे कैसे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला गया। अभी जब बिटकॉइन जब ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है तो इससे क्या है, मेरे ऑल्ट कॉइन है उनको हेल्प मिल रही है, उनको पंप मिल रही है। अगर बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो बाकी मेरे कॉइन्स में एक अच्छा प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं, या वो ऊपर भी जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने छोटे छोटे ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है, उन लोगों का ये उम्मीद बनी हुई है कि कब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा और कब हमें हमारे कॉइन में काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। अब हम न्यूज़ की बात करें तो एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। माइकल सेलर ने अपने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी ने 5050 बिटकॉइन, अगर मैं बात करूँ तो 5050 बिटकॉइन को एक्वायर किया है। देखिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी बड़ी वेल्स हैं जो कि बिटकॉइन को इस वक्त बाइंग कर रही है, एक बहुत अच्छा प्राइस है, और एक छोटा मोटा इन्वेस्टर डर रहा है कि अभी बिटकॉइन के साथ क्या होगा। आप इस गेम को अभी समझ सकते हैं कि मार्केट में जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो एक लार्ज अमाउंट में बिटकॉइन को बाइंग कर रही हैं, छोटा मोटा इन्वेस्टर डर रहा है। तो आप इस न्यूज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको डरना नहीं है, बिटकॉइन में आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है, एक आंधी और एक तूफान आने वाला है। तो जो लोग अभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या फिर बाकी कॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, वो डरे नहीं, पैनिक नहीं हो, बस इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अगली न्यूज़ की ईएल साल्वेंटर से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको बिटकॉइन से फ़ायदा होता है तो आपको उसका टैक्स एग्जम्पशन या रिडम्पशन में मैं बात करूं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास बिटकॉइन है, अगर आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। ये बहुत ही बड़ी बिग न्यूज़ निकल के आ रही है। एल साल्वाडोर के बारे में आप सभी जानते हैं, एक ऐसा देश जिसने बिटकॉइन को एज ए करेंसी एक्सेप्ट किया है, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। इसी के साथ मेरी एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है यूके से। यूके पोस्ट ऑफिस ने अपने यूजर्स को उनकी ऐप के थ्रू बिटकॉइन को बाई करना अलाउ कर दिया है। बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। धीरे धीरे कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो बिटकॉइन को आगे बढ़ा रही हैं या फिर बिटकॉइन को फेमस कर रही हैं। तो इन सब न्यूज़ की वजह से आने वाले टाइम में बिटकॉइन बहुत ऊपर जाने वाला है। जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, वो डरे नहीं और अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करें। आपको आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, साथ ही बाकी कॉइन जितने भी हैं वो भी बहुत अच्छे प्राइस की तरफ जाते हुए आपको दिखेंगे। तो दोस्तों, अब हम ऐसी एक फेक न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पता नहीं कहाँ से पहले पब्लिश होती है, फिर कुछ लोगों द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है, सीधे मार्केट में एक फ्लैश न्यूज़ फ्लैश कर दी जाती है, बहुत बुरी तरीके से स्प्रेड कर दी जाती है, जिसके बारे में या फिर जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिटकॉइन के बारे में।
जैसे ही मार्केट में न्यूज आती है, पहले इसका प्राइस 14,000 था, एक साथ प्राइस शूट करता है और 18,000 पहुंच जाता है। और मार्केट में अगर हम न्यूज की बात करें तो क्या न्यूज थी, न्यूज ये थी कि लिटकॉइन ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया अ मेजर पार्टनरशिप विद वॉलमार्ट। जैसे ही न्यूज मार्केट में आती है, एक प्राइस में शूट होता है, 18,000 के पास पहुंच जाता है। तो देखिए आप, ये कितना बड़ा गेम था, एक फेक न्यूज। पहले कुछ र्यूमर्स फैलाए गए, उसके बाद कुछ न्यूज चैनलों द्वारा इसको प्रमोट किया गया, उसके बाद थोड़े ही समय बाद लिटकॉइन के ट्विटर हैंडल से इसे ऑफिशियल कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कितना बड़ा गेम है, पता नहीं कहां से पहले ये न्यूज आती है, कौन लोग इसके जो मेरे लिटकॉइन है उसके ट्विटर हैंडल को चला रहे हैं, पता नहीं कैसे वो बिना किसी न्यूज के, बिना किसी कंफर्मेशन के, आपको पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो कैसे उनके ट्विटर हैंडल द्वारा जो लोग उसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे मार्केट में न्यूज फ्लैश कर दी गई, जो मेरे ट्रेडर हैं उनके साथ कैसे धोखा किया गया। आप देख सकते हैं कि जब इसका प्राइस 14,000 से सीधा शूट हुआ तो जो मेरे ट्रेडर्स हैं वो इसके अंदर घुसे और वो आगे आगे इन्वॉल्व होते गए। जब इसका प्राइस एक साथ 18,000 पे पहुंच गया, उसके बाद क्या होता है कि पता चलता है मार्केट में ये न्यूज फेक है, उसका प्राइस एकदम डाउन आता है, फिर से 14,000 पे आ जाता है। तो कितना बड़ा नुकसान ट्रेडर्स को हुआ, जो बड़े बड़े व्हेल्स थे, जो बड़े बड़े गेमर्स थे, उन्होंने मार्केट में न्यूज फ्लैश की, उसका फायदा उठाया, 14,000 से सीधा 18,000 वहां पे अपने कॉइन्स को शेयर किया, दोबारा प्राइस नीचे ले आए। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गेम चल रहा है। तो आपको ऐसी न्यूज से भी बचकर रहना है, मार्केट में जब भी कोई ऐसी न्यूज आ जाती है तो आपको एक साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, पैसे पहले उसको देखना है क्या ये मार्केट में न्यूज ओके है, थोड़ी देर वेट करना है और आपको वेट एंड वॉच पे रहना है। मैंने आपको हमेशा ही कहा है, पहले आप वेट कीजिए एंड वॉच कीजिए, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। कुछ ऐसी गलत न्यूज की वजह से आपको लॉस हो सकता है। बाकी पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा प्राइस एकदम शूट हुआ, कभी भी आप किसी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले उसके रेजिस्टेंस को देखिए, जब उसका प्राइस शूट करता है तो उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां आके उसे ब्रेक या होल्डिंग उसका पैटर्न है, वहां उसको रुकना चाहिए। जैसे अगर वो 14,000 से 18,000 गया तो उसको 16,000 या 17,000 पे होल्डिंग पैटर्न था, वहां उसको रुकना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रुका, सीधा 14,000 फिर से आ गया। तो ऐसे पैटर्न अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं जैसे आपके लिए कुछ न्यूज लाता हूँ, कुछ सजेशन लाता हूँ या वीडियो लेके आता हूँ और भी आते हैं, आपको अपनी स्टडी भी करनी है, किसी के कहने से या किसी के बताने से आपको किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोज होती है, अपनी स्टडी करके ही आप इन्वेस्ट करें। तो ऐसे फेक न्यूज से या ऐसे लॉस से आप बच सकते हैं। बाकी अगर हम किसी अगले कॉइन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मार्केट में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बूम हो सकता है, उस कॉइन का नाम है चेनलिंक। लिंक के नाम से ये कॉइन है, इथेरियम बेस्ड कॉइन है ये और डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो जुलाई में ये 1,000 पर ट्रेड कर रहा था, अभी इसका प्राइस 2,000 से 2,800 के बीच में ट्रेड कर रहा है, कभी 2,000, कभी 2,600, कभी 2,800 के बीच में अच्छा ट्रेड कर रहा है। अगर मैं पिछले महीने से इसके अमाउंट की बात करूं या पैसे की बात करूं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, जस्ट डबल प्राइस हो गया है। आप देखें जुलाई से सितंबर का है और इसके अंदर एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। जब मार्केट डाउन हुई थी तब ये 2,000 पे आके ट्रेड कर गया था, उसके बाद फिर से इनके अंदर एक बहुत अच्छा पंप आया और अभी भी ये 2,000 या 2,200 और 2,800 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इसमें बाइंग करते हैं, बहुत अच्छा टेक्निकल, बहुत अच्छा फंडामेंटल्स, आप जाके चेक कर सकते हैं किसी भी साइट पे, ये वजीरेक्स पे अवेलेबल है, कॉइन स्विच कुबेर पे अवेलेबल है, बिनेंस पे अवेलेबल है या कॉइन बेस पे अवेलेबल है, जहां से चाहे आप इसे बाइंग कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़े बहुत करेक्शन होते, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं, जब भी किसी कॉइन में करेक्शन हो तभी आप उसको बाइंग करें, एकदम किसी के कहने से बाइंग ना करें, क्योंकि अगर कोई चीज ऊपर जाती है तो वो नीचे भी आती है, कुछ फंडामेंटल्स कारण रहते हैं या कुछ सेलिंग प्रेशर रहता है जिसकी वजह से मेरा कॉइन नीचे आता है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें तब उस शेयर को या उस कॉइन को पर्टिकुलर करेक्शन होने का इंतजार करें। बहुत ही अच्छा कॉइन है, आने वाले टाइम का अगर मैं इसका टारगेट देखता हूं, जो लोग लॉन्ग टर्म का इसमें सोचकर चल रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट की बात है। इसका प्राइस 10,000 से 20,000 आने वाले 4 या 5 सालों में हो जाएगा। तो अगर आप इसमें स्मॉल स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा शूटअप, या इथेरियम या कोई भी और चेन की मैं बात करूं जिंस पे ये बेस्ड है, आपको पता है अगर इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा तो उसका भी प्राइस बढ़ेगा, बिटकॉइन किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी अगर उनके प्राइस में शूटअप मिलता है
तो इनके प्राइस भी ऊपर जाएंगे। तो जो लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, जब भी इसमें करेक्शन मिलता है या थोड़ा सा डाउन मिलता है या मार्केट जब भी टर्म करती है, तब ऐसे कॉइन में आप इन्वेस्ट करके रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा ऐसे कॉइन्स में। तो कुछ मार्केट में कॉइन्स ऐसे अवेलेबल होते हैं जो लो प्राइस पे होते हैं, आप डरे नहीं कि अभी लो प्राइस में अभी और लो जाएंगे, आप स्मॉल स्मॉल अमाउंट में उन्हें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि कब उनका प्राइस शूट कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप खरीद भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे कॉइन्स में आप हमेशा इन्वेस्ट करके रखें, और जब भी आपको प्रॉफिट हो अपना 50% प्रॉफिट बुक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।